सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टाटा टिगोर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। जब टाटा टिगोर लॉन्च हुआ था तो गाड़ी काफी मार्केट में फेमस हुआ था, काफी लोग इसे अप्रिशिएट भी किए थे और काफी लोग गाड़ी के बारे में कुछ बात भी किए थे। लेकिन एक्चुअल में गाड़ी कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, गाड़ी में क्या क्या सबसे अच्छा पॉइंट्स है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे। क्या आपके लिए गाड़ी खरीदना सही रहेगा या नहीं, डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विंटर व यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स। हालांकि गाड़ी में कम प्राइस में काफी सारा फीचर्स, काफी सारा चीजें दिया गया है जो कि गाड़ी की पॉजिटिव पॉइंट्स है। जी हाँ, चलिए जानते हैं एक्चुअल में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है गाड़ी में। तो पॉजिटिव पॉइंट्स ढेर सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। हालांकि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स। गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स काफी गजब है। एक प्राइस रेंज में, इस प्राइस रेंज में गाड़ी को काफी अच्छा डिजाइन किया गया है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है गाड़ी। सबसे अच्छी जो है गाड़ी की जो दिया गया है पीछे की रूफ लाइन, जो कि एक कूपे डिजाइन वाला लुक दिया गया है, काफी अच्छा गाड़ी को लगता है। और उसमें दिया गया है प्रोजेक्टर हेड लैंप्स विद बैक साइड में आपको LED टेल लैंप्स भी मिल जाते हैं। और गाड़ी में दिया गया है 15 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स और उसके साथ गाड़ी में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में ये सारी चीजें काफी अच्छा है। 15 इंच एलॉय व्हील्स वे भी डायमंड कट एलॉय व्हील्स, उसके साथ आपको मिलता है 419 लीटर्स का बूट स्पेस जो कि गाड़ी को काफी प्रैक्टिकल बना देती है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करें गाड़ी की इंटीरियर की स्पोर्टी लुक्स एंड कंफर्टनेस। गाड़ी की इंटीरियर की कंफर्टनेस और इंटीरियर के लुक्स काफी स्पोर्टी है, काफी प्रैक्टिकल है और काफी डुअल टोन कलर के साथ काफी एग्रेसिव भी लगता है इस प्राइस रेंज में। हालांकि इस प्राइस रेंज में इसी तरह के इंटीरियर आपको और कोई गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। और गाड़ी की इंटीरियर काफी प्रैक्टिकल है, इंटीरियर पे काफी लेग रूम, हेड रूम और काफी ज्यादा स्पेस भी आपको मिल जाता है अपने सामान, अपने बोटल्स या कुछ भी रखने के लिए। और उसके बाद आते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर। आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपको GPS नेविगेशन भी मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है। और उसके साथ सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है हरमन कार्डन का, यहाँ पे दिया जाता है म्यूजिक सिस्टम जो कि आपको 8 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम है। हरमन कार्डन जो कि काफी बड़े बड़े गाड़ियों के साथ हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम आता है, काफी प्रीमियम गाड़ी के साथ वो यहाँ पे दिया गया है एक 5 से 7 लाख वाले गाड़ी में। तो ये है काफी अच्छा पॉइंट। और उसके बाद चले तो गाड़ी में आपको मिल जाता है सेफ्टी फीचर्स में 2 एयरबैग, ABS प्लस EBD, पार्किंग सेंसर, पार्किंग कैमरा, ये सारा फीचर्स भी आपको मिल जाता है। और गाड़ी में काफी सारा फीचर्स भी आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है गाड़ी की इंजन की पावर। गाड़ी की इंजन की पावर भी काफी अच्छा है, चाहे वो पेट्रोल में हो या डीजल में। उसके साथ साथ गाड़ी में भी काफी अच्छा आपको माइलेज मिल जाता है। कंपनी यहाँ पे पेट्रोल पे 20.3 KMPL और डीजल पे 24.37 KMPL का माइलेज क्लेम करती है। हालांकि आपको 1-2 KMPL का कम होके एवरेज आपको माइलेज मिल जाता है। और गाड़ी आपको अभी अभी कुछ दिन पहले MT वर्सन पे भी लॉन्च हो चुका है। और सबसे बड़ी बात गाड़ी की प्राइस रेंज। गाड़ी की प्राइस रेंज 4.76 लाख से शुरू होके 7.1 लाख तक जाता है एक शोरूम दिल्ली के प्राइस में। हालांकि इस प्राइस रेंज में इतने सारा फीचर के साथ आपको इस कंपटीशन में, मतलब कंपटीशन पे देखा जाए या मारुति सुजुकी डिजायर या हुंडई की एक्सेंट हो या फोर्ड के एस्पायर हो, इसके साथ अगर कंपेयर किया जाए इस प्राइस रेंज में इतने सारा फीचर्स तो और कहीं पे नहीं मिलेगा जो कि टाटा आपको प्रोवाइड करता है। तो इतने सारा था ये पॉजिटिव पॉइंट्स। इस पॉजिटिव पॉइंट्स के आगे अगर देखें, मैंने जो नेगेटिव पॉइंट्स निकाला है गाड़ी में वो अनदेखी किया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतने सारा फीचर्स ये लुक काफी गजब दे दिया है टाटा ने। तो नेगेटिव पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट पे देखा जाए तो गाड़ी में आपको थोड़ी सी कैबिन नॉइज की फील होता है। हालांकि देखा जाए इस प्राइस रेंज में तो ये इग्नोरेबल है।
और उसके बाद बात करें तो गाड़ी के डीजल वेरिएंट्स में आपको 15 इंच की एलॉय व्हील्स नहीं मिलता है, आपको डीजल में मिलता है 14 इंच की एलॉय व्हील्स, वो भी डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको नहीं मिलता है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स जो है वो बेस वेरिएंट से आपको शुरू नहीं होता है, बेस वेरिएंट में आपको ऑप्शनल में मिलता है, आपको टॉप एंड वेरिएंट में या मिड वेरिएंट से ही आपको सेफ्टी फीचर्स की, मिड वेरिएंट्स में ही आपको सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल होता है। तो ये था कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, हालांकि इस नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर किया जा सकता है बिल्कुल की, क्योंकि गाड़ी में इतना सारा पॉजिटिव पॉइंट्स दिया गया है, गाड़ी का पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो गाड़ी को मैं थम्स अप देता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि इस प्राइस रेंज में टाटा ने काफ़ी अच्छा काम किया है गाड़ी के ऊपर। तो हालांकि आपको क्या लगता है आप मुझे बताइए, आपको गाड़ी अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार में हूँ। और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय, थैंक यू।